में दिलों में और दिमागों में जो गुस्सा है वो गुस्सा ठंडा होगा, इसलिए आपसे दरखास्त कर रहा हूं इसी स्टेटमेंट के बाद कई सारे पूरे ही वर्ल्ड में न कि इंडिया में इंडिया का बायकॉट हो रहा है एक तरीके से, इंडिया के ऊपर आंच उछाली जा रही है, इस पर क्या कहें? अफसोस की बात ये है कि आज इस नाकाम हुकूमत और नाकाम कारिंदों की वजह से हुकूमत के आज हमारे देश को ये दिन देखने पड़ रहे हैं कि जो लीड करते थे, जो हुकूमत, जो इंडिया लीड करता था पूरी दुनिया के अंदर, आज वो हमें सिखा रहे हैं और हमें कह रहे हैं कि माफी मांगो। हमें शर्म की बात यह है कि किन लोगों ने हमारी, जिससे बायकॉट होगा, हमारी इकोनॉमी बर्बाद होगी, हमारी जो पहले से इकोनॉमी बर्बाद हो चुकी है बायकॉट होने की वजह से, और जो से हम बायकॉट नहीं चाहते, हम नहीं चाहते कि हमारे मुल्क के प्रोडक्ट का कहीं पर भी बायकॉट हो, बल्कि हम चाहते हैं कि हमारा मुल्क तरक्की हो। बायकॉट करने की जरूरत ही नहीं थी अगर इन लोगों को सही टाइम पर जेल में डाल दिया जाता, और जेलों के अंदर अगर इनको डाल दिया जाता तो कोई भी मुल्क बायकॉट नहीं करता। कुछ भाजपाई लोग उनके समर्थन कर रहे थे, तो जो जिस मानसिकता के लोग हैं उस मानसिकता के लोगों को समर्थन करेंगे? उमा भारती कौन सी? आपका कोर्स और नाम? मेरा नाम मोहम्मद आबिद है, मैं जामिया मिल्लिया इस्लामिया का सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट का स्टूडेंट हूँ। बार बार मुझे धमकियां मिल रही है, बार बार मुझे धमकियां दी जा रही है बीबीपी की तरफ से, आरएसएस की तरफ से। अभी जामिया का गेट नंबर 7 बंद था, मैंने आकर के मालूम किया कि गेट बंद क्यों था, मेरा वैलिड आई कार्ड है, लेकिन उसके बावजूद मुझे अंदर आने की इजाजत नहीं। किस तरीके की धमकियां मिल रही है आपको? इस तरीके की कि आप निशाने पे हो, आप बहुत आगे आ रहे हो और बहुत बात। अगर मेरे नबी की जात पे उंगली उठेगी और मैं आगे ना हो तो फिर मैं किस बात का मुसलमान हूँ? मेरी राइट है, फंडामेंटल राइट है कि मैं अपने मजहब को, अपने नबी को पूरी इज्जत और पूरे डिग्निटी के साथ मानूं और पूरे तमाम अपने अरकान, जो इस्लामी अरकान है, उनको अदा करूं। लेकिन देखना यह है कि हुकूमत जो है अब इस पे एक्शन लेती है या नहीं लेती है, या सिर्फ एक तबके की हुकूमत है, या पूरे जब सबका साथ सबका विकास जो हुकूमत दावा करती है उसको काम करने वाली है या नहीं।